मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और करंटली मैं DSSV गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अंबेडकर हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। और मैं भी एक एकॉन का ही स्टूडेंट रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले। पहले मतलब शुरुआत मैंने यहीं से की है, और उससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड था नर्सिंग करके मैं सीधा ही आ गया हूँ, आ गया था यहाँ पे। बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब लगना है, मतलब किसी ने मुझे बताया कि गवर्नमेंट जॉब वाले को नर्सिंग के अंदर 70,000 की तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह के बेसिस पर मैंने माइंड सेट किया अपना। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना सही नहीं था, नर्सिंग मैंने जैसे तैसे कर ली, अपनी कंप्लीट हो गई। और उससे पहले और भी बेकार एजुकेशनल बैकग्राउंड था, मतलब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। पढ़ना भी ज़रूरी है लाइफ में, नहीं बस ऐसे ही मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन जब उस टाइम पे मेरे वो महसूस हुआ कि नहीं यार, कई जगह मैंने देखा, नर्सिंग टाइम में भी देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में स्टाफ नर्स को 4,000, 5,000, इवन 10,000 रुपये में डील कर रहे हैं भाई, ऐसे इस तरीके से डील किया जा रहा है। और हाँ, अगर वो अच्छे से तैयारी कर ले और सेलेक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट उसको 70-80 हज़ार रुपये दे रही है। तो एक अलग ही गैप क्रिएट हो जाता है इंसान के बीच में कि इतना बड़ा गैप, कहाँ 4,000 से 70,000 का गैप। इवन राजस्थान से हूँ मैं, और राजस्थान के कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में स्टाफ को 4,000, 8,000, 10,000, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं है कहीं भी। तो मैं वो पूरा माइंड सेट करके मैं आया, और मेरा माइंड सेटअप था, मैं चाहता था कि जो भी काम करना है टॉप लेवल का करो अपने जीवन में। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ अंदर वो था कि नहीं, करना है मेरे को, जॉब लगनी है मेरे को, बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है। तो जो भी करना है दिल से करो, अच्छे से करो। तो कोचिंग भी डिसाइड की, और मैंने जगह भी डिसाइड की, काफ़ी सारी जगह डिसाइड की कि कहाँ से मैं करूँ कोचिंग। तो कई टीचरों ने मेरे को गाइड किया कि इधर साउथ साइड में अच्छी नर्सिंग की कोचिंग होती हैं और बहुत बढ़िया लेवल है, चंडीगढ़ में भी अच्छा है अपने, और राजस्थान में, और दिल्ली को उन्होंने 4th नंबर पे दिल्ली को रखा था। लेकिन मेरे क्राइटेरिया से, मेरे पापा यहीं वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे वो दिल्ली के अंदर, तो उस हिसाब से भी मैंने दिल्ली को प्रेफर किया। और फिर मैंने फीडबैक भी लिया कोचिंग में, फ़ोन कर करके पूछा कि कैसा है। जब मैंने चेन्नई फ़ोन किया था तो बोल रहे थे नहीं, हम फॉरेन के लिए तैयारी करवाते हैं, जो NCLEX का एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं। चंडीगढ़ वालों ने डरा ही दिया मुझे 3.5 महीने का कोर्स बता के। फिर मैंने सोचा कि 3.5 महीने में कैसा कोर्स हो सकता है, जो आदमी 4.5 साल का कोर्स है वो 3.5 महीने में करवा देंगे, अब हाथ नहीं आनी। फिर जयपुर मैंने ट्राई नहीं किया, डायरेक्ट दिल्ली आया। दिल्ली आके उसके बाद, आने के बाद मैंने एकॉन से पहले एक कोचिंग में और मैंने, तो जब उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई और ऐसी सारी चीज़ें बताई, मैं मतलब पूछ के आया तो बताई, तो लगा कि चलो ठीक है, ये भी सही है। फिर कि एक और कोचिंग है दिल्ली के अंदर, वो भी नेट पर सर्च किया मैंने, एकॉन है। तो फिर मैं एकॉन में आया। एकॉन में आने के बाद मैं सबसे पहले मिला रोहित सर से, उसके बाद में उपेंद्र सर से मिला। तो रोहित सर अपने कोटा के ही रहने वाले हैं, तो कोटा से मेरा लगाव, मैंने नर्सिंग कोटा से ही किया है, और रोहित सर ने अपनी जगह बताई कि मैं वहाँ से हूँ। तो फिर मेरे को लगा वहाँ तो सर मैं 4 साल रह के आया हूँ, और उसी जगह पे मैं 4 साल रहा हूँ। फिर एक पर्सनल जो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, वो वाला अटैचमेंट मेरा उसी टाइम से हो गया। और फिर मैंने सर से बोला, मैंने कि मेरे को यहीं करना है। सर ने बोला आप डेमो लेके देख लो, और जो भी देख लो। मेरे पापा भी साथ में आए थे, और सामान भी मेरा साथ में ही था, सामान मैंने कोचिंग में ही रखा, उसके बाद मैंने रूम देखना ट्राई किया। तो मैंने, मेरा डेमो का ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था, मेरा पर्पज़ ये बन गया कि नहीं, मेरे को कोचिंग यहीं से करनी है, और फिर फाइनली यहाँ पे। अब कोचिंग के टाइम पे भी वेरिएशंस आते हैं, मैंने तैयारी की, काफ़ी हद तक तैयारी की, और 6 महीने कोचिंग की। 6 महीने में मेरा पूरा डिवोशन मैंने दिया, सारी चीज़ें सबसाइड कर दी ना, मैं घर गया 6 महीने में, ना किसी का शादी ब्याह त्योहार थी कुछ ऐसा, मतलब इवन सिंगल फेस्टिवल तक मैंने सेलिब्रेट नहीं किया मेरी लाइफ में। मोबाइल का भी ये हाल था, मोबाइल को मैं साइलेंट मोड पर रखता था। जब मेरे को पता चलता कि कोचिंग के बाद में कि हाँ इन इन लोगों की कॉल आए, तो जितना ज़रूरी मेरे को लगता था मैं उसी नंबर पर कॉल करता, बाकी लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं नहीं करता था कॉल। और ये शेड्यूल मेरा 6 महीने तक चला। उस 6 महीने के बीच में एग्ज़ाम भी हुए, और कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज़ें लगती है, वो टेस्ट सीरीज़ें दी। फर्स्ट टेस्ट मैंने जब कोचिंग में दिया था तो मेरा 4th रैंक था, मुझे आज भी याद है।
और उस फोर्थ रैंक पे मुझे इतनी खुशी हुई कि पहली बार मतलब मेरा फोर्थ रैंक आया है इतने बच्चों के बीच में। 50 बच्चों का बैच था उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैं फोर्थ रैंक था। लेकिन मैंने कभी मेरे अंदर हाइप क्रिएट नहीं की, ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं आया, नहीं यार मेरे अब तो मतलब मैं इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ। मैं वही सोच के चलता था कि नहीं अभी मतलब मेरी फोर्थ रैंक आई है, यहाँ की मेरी फोर्थ रैंक मैटर नहीं करती, मैटर करता है मेरा सिलेक्शन। यहाँ मेरी फर्स्ट रैंक आए, लास्ट रैंक आए, बीच में आए, कैसे ही आए, लेकिन मेरा वहाँ मेन एग्जाम में मेरा सिलेक्शन जरूरी है, वो होना जरूरी है, तो फाइनली हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद में इस ड्यूरेशन में एग्जाम भी दिए थे, और उपेंद्र सर ने जैसे कि सभी को वो बताते हैं क्लासों में कि जितने हो सके उतने एग्जाम दो वहाँ, तो बस मैंने वही मीटर फॉलो कर रखा था कि एग्जाम कोई सा नहीं छोड़ना है, वैकेंसी कोई सी हो, कहीं की भी आए, इंडिया के अंदर किसी भी कोने में हो, इवन सिंगल वैकेंसी तक मैंने एग्जाम दिया है, सिंगल वैकेंसी के ऊपर एग्जाम एग्जाम देने जाते थे, परेशान हुए आना जाना सारी चीज़ें सब कुछ। फिर यहाँ से थोड़ा फाइनेंशियल मेरा प्रॉब्लम था, तो 1-2 महीने में रहा था, फिर कोचिंग करने के बाद मैं घर पे भी जा चला गया कि चलो थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू है तो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। ज्वाइन नहीं किया कहीं प्राइवेट, कहीं ज्वाइन नहीं किया कोई भी प्राइवेट का, मेरा मेंटल स्टेटस था ही नहीं कि प्राइवेट ज्वाइन करना है, बस नर्सिंग में ये था कि नर्सिंग में करनी है तो गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो नर्सिंग में काम ही नहीं करना, बस ये मेरा मेंटल स्टेटस था, और इस बेस पे मैं तैयारी कर रहा था। फिर घर गया, घर पे 4 महीने गुजारे, 4 महीने गुजारने के बाद पता चला कि यहाँ तो और डाउनग्रेड हो गए। हम लोग आए थे क्या सोच के कि भाई तैयारी करेंगे यहाँ, ये करेंगे, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो उस चीज़ की वजह से घर भी जाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में रहना बड़ा एक्सपेंसिव है, हर चीज़ का खर्चा, रूम का किराया, ये सारी चीज़ें। तो मैंने घर पे गया, फिर घर पे मेरी पढ़ाई, अगर मुझे लगा कि नहीं यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो जॉब नहीं लगेगी भाई, और वो इंटरनली फील होने लग जाता है कि अगर मतलब इंटरनली आवाज़ आने लग जाती है कि भाई किस स्टेटस से आप स्टडी कर रहे हो और कौन सा आपका पर्पज़ है, मतलब जिस लेवल से आप कर रहे हो लगता है कि हाँ इस टाइम तो हो जाएगा। घर पे जाने के बाद फिर मैं कोटा गया दोबारा से, फिर सिंगल रूम लेके फिर पढ़ने लगा, और कंटिन्यू स्टडी चलती रही, एग्जाम भी लगते रहे इस बीच में। सुन पा रहे हैं आप तो एक बार रिप्लाई कर दें ये चेक करने के लिए कि कनेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक दो बच्चे रिप्लाई कर दें, ठीक है, ओके। फिर कोटा मैंने रह के तैयारी की, सिंगल रूम लिया, किसी को पता नहीं, सारे फ्रेंड मेरे कोटा के थे राजस्थान में, किसी को ये पता नहीं था कि मैं कोटा में हूँ, और ना ही मैंने किसी को बताया, मैं यही बोलता था कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ और वहीं सर्वाइव कर रहा हूँ, अभी वहीं तैयारी कर रहा हूँ, जो भी पूछता था। दिल्ली के अंदर रह के मैंने तैयारी, फिर मैं कोटा में गया, कोटा के बाद में चलता रहा ये सब कुछ, फिर फाइनेंशियल इशू आए, तो एक कॉलेज में भी मैंने ट्राई किया, मेरे एक फ्रेंड ने सजेशन किया कि भाई आप कॉलेज ज्वाइन कर लो और वहाँ अच्छे से तैयारी भी करते रहना, पढ़ाते भी रहना। कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे और भी बुरा हाल देखा, तो लगा कि नहीं यार यहाँ से भी नहीं, तो स्किप करता रहा हूँ, भागता रहा हूँ तैयारी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, कि नहीं यार निकलो यहाँ से, यहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ने के बाद में दोबारा फिर से आ गया कोटा, घर वालों से लड़ गए, उस बीच में फैमिली वाले भी बड़े डिस्टर्ब थे कि ये जब बार बार इधर से उधर जा रहा है, कभी दिल्ली से घर आया, फिर कोटा चला गया, फिर कोटा से हरियाणा चला गया, वहाँ कॉलेज ज्वाइन किया, फिर दोबारा कोटा चला गया, पता नहीं क्या करेगा ये। तो फैमिली वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई तू क्या करना चाहता है, क्या नहीं है, जो भी है, लेकिन वो सपोर्ट एक तरीके से करते रहे कि हाँ तेरे को पढ़ना है तो तू पढ़, मतलब मेरे ऊपर उन्होंने बर्डन ये नहीं डाला कि तुझे प्राइवेट कर लेना चाहिए, ऐसा कोई सजेशन उन्होंने नहीं दिया, जो मेरे को करना था मैं करता रहा। उसके बाद में मैं काफ़ी दिन तक कोटा में रहा, तो जब मेरे को लगा कि नहीं ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन ऐसे होगा ही नहीं और मैं ऐसे ही भागता रहूँगा और कुछ नहीं होने वाला, और टाइम वेस्ट हो रहा है, ना तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ ना ही कोई एक्सपीरियंस है, बस टाइम वेस्ट ओनली हो रहा है। तो फिर मैंने दोबारा रोहित सर से कॉन्टेक्ट किया एक बार फिर से कि चलो एक बार सर से बात करते हैं, क्या करना चाहिए सर से। तो सर से दोबारा मैंने कॉल किया, मैं सर मैं दोबारा आना चाहता हूँ F1 में, दोबारा मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ अपनी। फिर सर ने बोला ठीक है आ जाओ, मैंने कि सर बताओ मेरे को क्या है। सर से बात करते हुए फिर दोबारा मेरे को फाइनल मैंने मन बना लिया कि नहीं मेरे को F1 दोबारा ज्वाइन करना है, और मैं नहीं जाऊँगा वहीं तैयारी करूँगा बैठ के, इस बार मैं जम के तैयारी करूँगा, जो भी कमी है इस बार सारी भड़ास निकाल दूंगा। सर ने बुलाया, मैंने फ़ोन किया, फिर
मेन प्रॉब्लम फिर दोबारा पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, घर वालों से बोला, घर वालों ने बोल दिया फिर अब तेरे क्या जच रही है, फिर भागेगा तू घर, फिर कोचिंग तैयारी करेगा। मैंने कि मेरे को जाना है, अगर तुम पैसे दे सको तो दे देना और नहीं दे सको तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊँगा इस बार दिल्ली और दिल्ली जाके मैं करूँगा तैयारी। फिर भी लड़े थोड़े दिन, वो नाराज रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने सपोर्ट कर दिया और मैंने पापा से इतना बोल के आ गया कि मेरे लिए इस बार तुम 50,000 रुपये कर दो, 50,000 आप कर दो बस, बाकी वो पे मैं कर दूंगा बाद में। वो बोल के मैं दोबारा कोचिंग में आया। दोबारा अजीब सा लगता था जब नए स्टूडेंट के साथ में बैठते थे कि यार पुराने बैच वाले हम, वो नए वाले। उस दौरान एग्ज़ाम भी हुए थे, ऋषिकेश का एग्ज़ाम हुआ था, एम्स ऋषिकेश का, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम पे। उसके बाद में दिल्ली एम्स का 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और दिल्ली एम्स का मतलब दिल्ली का क्रेज़ मेरे को इतना था कि बस, बाकी मैं कहीं तक तैयारी नहीं करता था। जो दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम, मतलब दिल्ली का कोई भी एग्ज़ाम होता था उसमें मैं अपना अच्छे से सोचता था कि यहीं हो जाए। तो जब दिल्ली एम्स में नहीं हुआ, 2018 वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस दिन के बाद में 2 दिन तो कोचिंग नहीं आया मैं। क्या करना चाहिए, सभी लोग देखेंगे, साथ वालों का हो गया, जितने नए स्टूडेंट थे नए बैच वाले वो निकल गए, बस मैं ही रह गया, जबकि मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी माइंड में आती है बस, लेकिन अगर हम इनके बियॉन्ड सोचें और लगें कि नहीं, लगे रहो बस, सारी चीज़ें हो जाएंगी अपने आप ही, तो सब कुछ हो जाता है। फिर लगा रहे भाई, देते रहे। भोपाल एम्स का भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन 10-15 एग्ज़ाम दे दिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कोचिंग भी ख़त्म हो गई। कोचिंग ख़त्म होने के बाद में बस एक टेंडेंसी मेरी ये थी कि जो भी चीज़ मेरे को नहीं आती थी मैं पूछता था, चाहे कोचिंग के टाइम पे पूछूं, कोचिंग के बाद में पूछूं, मतलब क्वेश्चन मार्क्स मैंने कभी नहीं छोड़ा मेरी लाइफ में। नर्सिंग के टाइम पे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क्स है तो इसको क्लियर करना है, कहीं से भी करो। और उस चीज़ में मेरा सभी टीचरों ने अच्छा सपोर्ट किया, सबने, कोई भी ऐसा नहीं करता था कि नहीं मैं तेरे को बाद में बताऊँगा, ये मतलब जैसा भाई जो था पॉजिटिव फीडबैक, मेरे को अच्छा फीडबैक मिला। एकॉन से मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, नर्सिंग का मतलब रुतबा मेरे को यहीं पता चला कि नहीं वाकई में ना नर्सिंग में हम क्या करते हैं और कैसी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो उस टाइम के बाद में भी मेरा चलो कहीं नहीं हुआ, दोबारा भी 6 महीने ख़त्म हो गए, कोचिंग ख़त्म हो गई, लेकिन इस बार मैंने पहले वाली गलती नहीं दोहराई, जो मैं घर चला गया। इस बार मैं दिल्ली में ही था, यहीं रुका रहा कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार जाके मैंने काम ख़राब कर लिया अपना। उस दौर में जब यहाँ पे दोबारा फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने ही मैं लाइब्रेरी में रहा था। फिर कोचिंग ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की, उससे पहले मैं लाइब्रेरी थी नहीं है कौन की यहाँ पे, तो नोएडा वाली लाइब्रेरी में जाता था वहाँ पे। लेकिन जब यहाँ लाइब्रेरी बन गई तो यहीं पे मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सारी चीज़ों में सहूलियत रहेगी, कोचिंग की चीज़ों में कुछ पूछना होगा तो टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, कुछ डाउट होगा तो वो सारी क्वेरीज मिल जाएंगे। यहाँ फिर मैंने तैयारी की और सारी अच्छे से पढ़ाई की, 1.5 महीने मैंने पढ़ाई की। उस टाइम पे मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, वो था CHO का, UPCHO का, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था UPCHO का, वो क्लियर हुआ था उस टाइम पे। और उसी दौरान उसी तैयारी से मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ था GMCH चंडीगढ़ का। 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, लेकिन चंडीगढ़ वाला मैं नहीं कर पाया, मेरे पास सर्टिफिकेट था नहीं, इस वजह से उस टाइम पे। और उस टाइम पे डबल लिस्ट भी थी, तो एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का इशू था, तो उसमें रहा प्रॉब्लम। तो मैंने CHO ज्वाइन कर लिया, सर ने भी बोला मेरे को, तो पैन सर ने भी, कि जो अभी मिल रहा है वो कर ले, उसके बाद में देखते हैं क्या है। मैंने सलाह ली कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सर ने फिर, रोहित सर ने भी बोला कि नहीं अभी तो जो मिल रहा है वो ले लें, क्योंकि कहीं कहीं मेरे को भी ऐसा हो रहा था, महसूस हो रहा था कि यार नहीं, 2 साल हो गए यार तैयारी करते करते और कहीं कुछ नहीं लग रहा है, तो इसको तो ज्वाइन कर लेते हैं। मन नहीं था ज्वाइन करने का, लेकिन करना पड़ा, फैमिली फोर्स भी और फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो कर लिया वो ज्वाइन। अब उसके बाद में स्टोरी शुरू होती है CHO ज्वाइन करने के बाद में। उसके बाद में तो बहुत बुरा था जो भी सफ़र था। जैसे ही CHO ज्वाइन किया, तैयारी, उधर की तैयारी में लग गए, वहाँ का बर्डन आ गया, वर्किंग बर्डन आ गया सारा। और जो मेन ड्रीम था कि नहीं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है, उससे मैं धीरे धीरे दूर होता रहा। मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मैं दूर जा रहा हूँ मेरी लाइफ से, मतलब जो मेन चीज़ है उससे दूर जा रहा हूँ। आ तो गया हूँ मैं, लेकिन इसमें रहना नहीं है बस ज़्यादा दिन तक।
फिर जितने भी एग्जाम दिए उसके बाद में एक एक दो दो नंबर, फिर लंबा टाइम निकला, गैप बढ़ने लगा, नंबरों में गैप बढ़ने लगा, फिर लगा नहीं यार प्रॉब्लम होने लगी है और तैयारी ऐसे नहीं होगी। बाकी CHO चलता रहा कंटिन्यू, सर्टिफिकेट हो गया, सारा काम हो गया। फिर वहीं से सलाह भी ली मैं, सर को बीच बीच में कॉल भी कर लेता था कि सर मेरे को क्या है, मतलब छोड़ देना चाहिए नहीं, या CHO करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर बोल रहे कि देख अभी करता रहे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम एकदम छोड़ देगा तो पैसे से तेरे को दिक्कत आ जाएगी, और फिर वो चीज़ भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि फाइनेंशियल इशू शॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। अभी इससे कम से कम खर्चा चल रहा है, एग्जाम फॉर्म वगैरह ये सारे मैं अपनी सैलरी से ही देता था, घर पे मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा था, ये सारा सब चलता था। लंबे टाइम के बाद लगा के नहीं यार, और इधर भी एग्ज़ाम दिए तो सारे एग्ज़ामों के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले थे, काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, उन्होंने देखा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रह रहे हैं सिलेक्शन के पास था, इर्द गिर्द घूम रहा था बस, पॉइंट से एक दो, मतलब ऐसा कि किसी में पॉइंट में नंबर रह गए 0.50, किसी में एक नंबर से, किसी में दो नंबर से, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, मतलब पीछा मैंने नहीं छोड़ा कि नहीं कह रहा बढ़ जाते हैं, चलो ठीक है नहीं हो रहा तो छोड़ो। मैं इवन मैंने मेरे टोटल एग्ज़ाम जो फॉर्म भरे हैं दो साल के अंदर, दो ढाई साल के अंदर 30-30 के आराम मैंने फॉर्म भरे थे नर्सिंग एग्ज़ाम के, और करीबन 22 एग्ज़ाम मैंने दिए हैं ढाई साल के अंदर। मतलब देखो एक दो एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भरा, जो वैकेंसी निकलती सारे फॉर्म भरता था और सारे एग्ज़ाम देता था मैं। उसके बाद में क्या हुआ, एक लंबा टाइम हो गया CHO में भी, फिर मेरे को वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी वो, तो उनकी वजह से भी मेरा डिले हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ रही। फिर दोबारा से फिर मैंने प्रिपरेशन दोबारा से की, स्टार्ट की, और फॉर्म भरा मैंने एम्स रायपुर का, DSSV का पहले से ही भरा हुआ था, तो एम्स रायपुर का एग्ज़ाम हुआ, उसके एक दिन बाद DSSV का एग्ज़ाम हुआ, और तो देखा रिजल्ट आया CHO के टाइम पे ही, एम्स रायपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, वहाँ से मैं सीधा फिर एम्स रायपुर के लिए मैं, और DSSV का दोनों का पैरेलल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन DSSV में डिले जॉइनिंग की वजह से मैंने एम्स रायपुर ज्वाइन कर लिया। उसके लिए भी मैंने सर को पूछा कि सर क्या करना चाहिए, तो सर बोलते हैं जो भाई जो मिल रहा है वो ले वे, मतलब इतने दिनों के बाद तुझे जॉब मिली है तो तू ये देख, DSSV का जब मिलता है, लगे तेरे को DSSV का हो गया तो फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाना। तो सेम मैंने वही कंडीशन अप्लाई की, अपना एम्स रायपुर ज्वाइन किया। एम्स रायपुर में वहाँ मैं 8-9 महीने मैंने काम किया छत्तीसगढ़ में, और उसी दौरान मेरा एक पेंडिंग पेपर था भुवनेश्वर का, तो वो वेटिंग क्लियर हो गई। उधर से WCL का पेपर था, वो क्वालिफाई हो गया, मतलब जब नहीं हो रहा था तब कहीं नहीं हो रहा था, जब होने लगा तो फिर सारी जगह रास्ते खुल गए। फिर इधर से DSSV का क्लियर हो गया था, 2018 वाली वेटिंग में भी नाम आ गया था, और जो 2000 की वेटिंग आई थी उसमें भी, 2000 जो एम्स चार एम्स के लिए एग्ज़ाम होता है उसकी वेटिंग में भी नाम आ गया था। तो फिर लगा कि नहीं यार अचानक से क्या हो गया, एकदम सब जगह से सिलेक्शनों की बरसात होने लगी है। लेकिन फाइनल जो मेरा था वो मेरा था कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली मेरे को ज्वाइन करना है। एम्स रायपुर से छोड़ के फिर मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, और अब करंटली मैं DSSV में वर्किंग हूँ। तो रेगुलर करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सर यहाँ पे अवेलेबल है ही हैं अपने सारे, और मैं तो मतलब मैंने बेस्ट टीचर के लिए मैं बोलूँ तो मैंने बेस्ट टीचर कहीं नहीं, मतलब वो देखे, मैंने देखा कि यार नहीं यार अकाउंट में, जब मेरी बेस्ट टीचर हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास हो, तो मेरी हर समस्या का सॉल्यूशन था यहाँ पे, और वो मैंने रियलाइज़ किया और वो फील किया मैंने यहाँ पे, जब मैं प्रिपरेशन उस टाइम पे कर रहा था। तो मतलब हर तरीके से एक स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट मेरे को यहाँ से मिला है, और आज मैं मेरी मंजिल पे हूँ, और मैं भी मालिक से दुआ करता हूँ कि आप भी अपनी मंजिल पे पहुँचें, जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उस हिसाब से अपना पद मिले। थैंक यू सो मच। आप वालों का एक बार मैं एक आईडी एक्टिवेट कर दूँ, पूछना सुन रहे हैं हम क्या। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो स्टूडेंट किशन पूछ रहे हैं आंसर करो, शिवानी पानसे का किशन है, आपको कितना टाइम लगा इन सब में, तैयारी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा आपको। मेरे को सारा टोटल टाइम काउंट करें तो 2017 से लेके और 2020 तक का टाइम था, मतलब 2.5-3 साल मेरे को सब लग गए, सब जगह मैं घूम के आ गया,
सारी जगह घूमा मैं 3 साल के अंदर, जिसमें मेरी प्रिपरेशन भी शामिल थी। बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, हेड्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बहुत बधाई हो, ग्रेट ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेस, थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन शेयरिंग द एक्सपीरियंस। चलिए मोटिवेटेड अस। तो आपने सिद्धार्थ की कहानी सुनी कि सिद्धार्थ किस तरीके से यहाँ आया, कैसा उसका स्ट्रगल रहा, इनफैक्ट उसकी जॉब लग गई थी CHO में, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं था। एक एवरेज स्टूडेंट, और एक एवरेज स्टूडेंट आप तो आए, मतलब आप में से ज़्यादा स्टूडेंट तो ये चाह रहे हैं कि हमारी CHO की जॉब लग जाए, तो बस वो हमारा लास्ट गोल होगा। लेकिन ये आया और इसने एक बड़ा सपना देखा और उस बड़े सपने की ओर अग्रसर हुआ। और जब ये यहाँ जब ज्वाइन किया था सिद्धार्थ ने, तो ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट लड़का था या बहुत अच्छे इसका पास्ट में जो नॉलेज लेवल था वो बहुत अच्छा रहा था, नहीं ऐसा नहीं था। बिल्कुल आप लोगों की तरह एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट बनकर इससे एडमिशन लिया और धीरे धीरे ग्रो किया, मतलब अपने आने वाले कल को अपने पिछले वाले कल से बेहतर बनाया। समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका IQ लेवल कम है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने IQ पे ऑलरेडी काम कर रखा हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या नर्सिंग के दौरान उन्होंने अपने दिमाग पे ऑलरेडी काम कर रखा हो, तो उनको समय कम लगेगा, चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। हम लोगों ने नहीं काम किया होगा तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये रेगुलर मेहनत डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल बनाती है। और ये कहानी जीती जागती यहाँ पे सिद्धार्थ ने बता दिया। देखो इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं आपको मोटिवेट करूं या उपेन सर मोटिवेट करें या कोई भी टीचर मोटिवेट करें या कोई सेलिब्रिटी हम बुला के यहाँ पर आपको मोटिवेशन का लेक्चर दिलवा दें, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इतना इफेक्टिव होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जब वो आते हैं मिलने के लिए, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जो नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप उनको अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि उन सेलिब्रिटी से ज़्यादा जो जीता जागता आपका एग्जाम्पल है ना, जो गोल आपने देखा है और वो गोल जिसने अचीव किया है, उनको जब आप सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब सचिन तेंदुलकर आकर यहाँ बोले कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हाँ जोश तो आप में भर जाएगा, लेकिन आप मन ही मन ये भी जानते हो ना कि आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, ये जानते हो आप। लेकिन आप जानते हो कि सिद्धार्थ ने ये बातें आपको बताई है, तो आप जानते हो कि अगर मैं 6-8 महीने 10 महीने साल भर अगर अच्छे से मेहनत करूं तो मैं सिद्धार्थ जैसी जॉब अचीव कर सकता हूं। तो ये कनेक्शन हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो आए और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। सिद्धार्थ ने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, सिद्धार्थ को मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। और देखो सिलेक्शन के बाद क्या होता है, ये एक ट्रॉफी दिखाता हूँ, चलो आज आपको ये दिख रही है आपको, ये देखो नीचे इसमें लिखा हुआ है बेस्ट अकोनियन और ऊपर लिखा हुआ है अकोन रैंकर। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट का एटलीस्ट इतना सपना हो कि ये ट्रॉफी उसके घर में जरूर हो। और ये ट्रॉफी कब मिलती है, जब आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेते हैं, जब आप अपना सिलेक्शन पा लेते हैं, तो हमारी तरफ से ये ट्रॉफी आपको दी जाती है। और ये ट्रॉफी जब आपके घर में होती है ना, और अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 5, 10, 15 साल बाद जब कभी ये ट्रॉफी अलमीरा में रखी होगी और आपकी घूमते फिरते नजर जाएगी, जब आप फ्री बैठे होंगे तो अचानक एक मुस्कान आ जाएगी आपके चेहरों पे इस ट्रॉफी को देखती। वो मुस्कान क्या होगी कि यार वो दिन भी क्या दिन थे, उन स्ट्रगल ने ही, उन संघर्षों ने ही आज हमें इस लायक बना दिया कि हम एक खुशहाल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टेस्ट आप दें, वो अकोन का जो टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छे से दें, अगर उसमें मार्क्स कम भी आ रहे हैं आपके तो डिप्रेस ना हो, लेकिन जो वो मेन एग्ज़ाम जिसके लिए आप यहाँ आए हैं उस सिलेक्शन वाले एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दें। और ये ट्रॉफी ज़रूर आप सबके पास मौजूद हो,
बस ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट अकाउंट से जुड़े हैं, किसी को 6 महीने में मिल जाए, किसी को 8 में, किसी को 10 में, किसी को 1 साल में, किसी को 1.5 साल में, लेकिन ये ट्रॉफी हमेशा आपको लेनी है। ये दिमाग में अगर आपने गोल बना लिया कि यार वो अकाउंट वाली ट्रॉफी मुझे लेनी है, मेरे को अपना सिलेक्शन लेके वो ट्रॉफी लेनी है, तो कुछ वर्थफुल किया है आपने आपने अपनी लाइफ में, मतलब कुछ अचीव किया है आपने ऐसा। और ऐसे अचीवमेंट के मौके लाइफ में 2-3 ही मिलते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। सिद्धार्थ को 2 से 2.5 साल का वक्त लगा है, देखो मतलब 2 से 2.5 साल संघर्ष करना, लेकिन जब मिला तो फिर वो ऐसा मिला कि जो सपना होता है DSSB में जॉब करना, मतलब इतनी लाइट जॉब होती है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ DSSB की जॉब बहुत ही लाइट जॉब है, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, एडजस्टेबल जॉब है, सुबह नींद नहीं खुल रही सर्दियों में तो एक फ़ोन कर दो कि आज मॉर्निंग नहीं आऊँगा, इवनिंग आऊँगा, बहुत एडजस्टेबल जॉब है, मज़ेदार जॉब, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि जॉब कर रहे हैं। और मंथ के जो लास्ट डे होता है, मतलब अगला महीना नहीं, मंथ के लास्ट डे, और अगर लास्ट डे भी संडे है तो उससे प्रीवियस डे सैलरी का मैसेज आ जाता है, 29-30 तारीख को ही सैलरी का मैसेज आ जाता है, ऐसे नहीं कि अगले महीने का वेट करना पड़ता है। और सैलरी वो जो मतलब हाईएस्ट पेड सैलरी होती है नर्सिंग ऑफिसर की, जो एम्स में मिलती है, वही सेम पे स्केल होता है DSS में, बिल्कुल वही सैलरी मिल रही है, 76-77,000 के आसपास सैलरी। और अब 2 बार DA और 1 बार इंक्रीमेंट वो साल में लगना ही होता है। तो कुछ मेहनत करो यार, तुम लोगों को यही हम बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में हो जाएगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर नॉर्थ सेट आने वाला है, सितंबर में एग्जाम है। अरे भाई 2 महीने 1 महीने में क्या पड़ जाएगा। सिद्धार्थ क्या कह रहा था, चेन्नई फ़ोन लगाया, उन्होंने बताया कि 3.5 महीने में ही वो सिलेबस करा देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता 3.5 महीने में 4 घंटे डेली पढ़ा के कैसे सिलेबस हो जाता है। तो क्रैश कोर्स करा के कैसे मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। क्रैश कोर्स तो जस्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि हम भी क्रैश कोर्स शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो कर जाएगा। बच्चे फीस देंगे, मुझे पता है फीस देंगे वो क्रैश कोर्स के लिए, वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज है जो 1 महीने में उनको सेलेक्ट करा देगी। अरे भाई इतना आसान होता तो हर नर्सिंग ऑफिसर आज गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम भी क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, एटलीस्ट हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जो रेगुलर कोर्स करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये महंगे महंगे बोर्ड लग रहे हैं, ये कैसे लगेंगे बोर्ड, वो क्रैश कोर्स शुरू करना पड़ेगा। वो बच्चे आएंगे, वो बच्चे फीस देंगे, 1 महीने बाद एग्जाम देंगे, तो उनको ये तो पता चल जाएगा कि ये लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। 1 महीने में इतना तो उन्हें पता चल जाए 1 महीने में कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो रेगुलर कोर्स भी तो करने आएंगे, 2-2 बार फीस देंगे फिर ऐसे स्टूडेंट। चलिए अब मैं उपेन सर को बुलाता हूँ कि उपेन सर अपने हाथों से ये ट्रॉफी है ये सिद्धार्थ को देंगे, और ये जो आज जितनी बातें हुई है ये बातें हम यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो वहाँ भी आप जब भी डीमोटिवेटेड फील हो तो वहाँ भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सर, एक्सट्रीमली अंदर से गूज बम्प इफेक्ट आ गए हैं जैसे बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसा आज मेरे को महसूस हो रहा है। मतलब इस ट्रॉफी के लिए मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था। इवन मैं टेस्ट यहाँ पे होते थे, टेस्ट सीरीज में यही होता रहा है कि 1st, 2nd, 3rd रैंक को ट्रॉफी मिलती है, मतलब 3 रैंक पे ट्रॉफी मिलती थी। जब फिजिकली क्लासेज जब चल रही थी तो उस टाइम पे इस ट्रॉफी का ये क्रेज था कि जो 1st रैंक आया है 2nd रैंक 3rd रैंक को। मैं कभी 1st रैंक नहीं आया, ना ही 2nd ना 3rd रैंक था, 4th रैंक था, उस दिन मेरे को ट्रॉफी मिली नहीं। लेकिन मेरा ड्रीम ये था, मेरे को छोटी वाली ट्रॉफी नहीं चाहिए, बस मेरे को बड़ी वाली ट्रॉफी लेनी है, मुझे इसके लिए काम करना है, ना कि छोटी ट्रॉफी के लिए। वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नेवर वर, छोटे टाइम के लिए खुशी ले लो, छोटी ट्रॉफी लेके नहीं। मेरा गोल था कि मेरे को ये बड़ी ट्रॉफी लेनी है। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने कई बार सर से बोला भी है, सर मैं आऊँगा, सर बोल रहे थे तुम आते नहीं हो और बड़े दिन से इधर आ गए दिल्ली में आते नहीं, मैं सर मैं आऊँगा, मेरी ट्रॉफी बाकी है, वो लेने जरूर आऊँगा, मैं कुछ लेने आऊँ या ना आऊँ। तो आज मुझे मेरी ट्रॉफी मिल गई है और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, और शायद अभी मेरे 2-4 दिन अच्छे से निकले एकदम लाइटली। तो आप भी लगे रहो, मेहनत करते रहो, अगर मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
बस आप लगे रहो, कोई भी चीज़ हो पूछो इधर उधर से, फ्रेंड ऐसे फ्रेंड बनाओ जिनसे लगता है कि ये भी कंपटीशन के दायरे में आते हैं और इनको नॉलेज है, अच्छे नॉलेज वाले दोस्त बनाओ, उनसे पूछो, डाउट क्लियर करो, क्वेश्चन इवन आते हैं क्वेश्चनों को, और पुराने पेपर मेनली मतलब सजेस्ट, मेरा सजेशन ये है कि पुराने पेपर जितने ज़्यादा हो सके पुराने पेपर आप निकालो तो और भी बेटर रहेगा। और थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर सर, थैंक यू।